हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज के शेयर में बात करूंगा जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक छोटा सा कारण है जो मुझे इसके फंडामेंटल देखने में बहुत अच्छे लगे, खास करके इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो बहुत बेहतर लगे मुझे, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। आगे जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करूंगा और कुछ चार्ट पे समझने की कोशिश करूंगा कि शेयर के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, क्वार्टर रिजल्ट ये हैं शेयर के। कंपनी ने मार्च 2023 में जो सेल्स की थी वो थी 111 करोड़ की। ये देख सकते हैं, मार्च 2023 में 111 करोड़ की सेल्स की थी। वहीं मार्च 2024 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं जिस तरीके से, वहाँ पर इन्होंने सेल्स की हैं 208 करोड़ की। तो लगभग इन्होंने दोगुनी सेल्स की हैं पिछले क्वार्टर से लेके इस क्वार्टर में। अब इन्होंने नेट प्रॉफिट भी देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो 32 करोड़ से 81 करोड़ हुआ है। अदर इनकम भी देखें तो अदर इनकम में जो पहले 6 करोड़ थी अब 0 है, अदर इनकम कोई नहीं हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो पिछले क्वार्टर में जो 29 करोड़ था अब 66 करोड़ है। नेट प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ था अब 52 करोड़ है। तो देखिए, इनके जो प्रॉफिट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स भी अच्छी खासी हो रही हैं। अब देखते हैं इनका प्रॉफिट और लॉस सालाना आधार पर। तो सालाना आधार पर इनकी सेल्स देखें तो देखिए, ये इनकी सेल्स हैं मार्च 2020 में 306 करोड़ थी, 21 में 226 करोड़, 22 में 500, फिर 447 और इस क्वार्टर में मार्च के 614 करोड़ की इनकी सेल्स हुई हैं। तो सालाना आधार पर भी सेल्स बढ़ रही हैं, क्वार्टरली आधार पर भी सेल्स बढ़ रही हैं। सालाना आधार पर इनका नेट प्रॉफिट देखें तो देखिए, इनका नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी स्टेबल कर रही है पिछले कुछ क्वार्टरों से, 127, 154, 101, 149। तो देखिए, सालाना आधार पर भी और क्वार्टरली आधार पर भी, दोनों ही आधार पर ये जो कंपनी है अच्छा खासा अपना कारोबार कर रही है। अब देखते हैं उसका पी रेशियो वगैरह, तो उसमें खरीदारी करने लायक कुछ है या नहीं। देखिए, हमने दो तीन चीज़ देखी इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं इसका पी, तो पी इसका बेहतर है, 17.8 का बढ़िया पी है। मार्केट कैप देखें तो 2582 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है, सीधा सीधा आप देख सकते हैं। वहीं बुक वैल्यू देखें तो 34.8 रुपये की है। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है, मैं देखता हूँ इसका हाई और लो 52 वीक का। तो 52 वीक का जो लो है इसका 42 रुपये का है और हाई 116 रुपये का, करंट प्राइस 108 रुपये का। तो देखिए, ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसके सारे रिजल्ट अच्छे हैं, क्वार्टरली भी ईयरली भी, लेकिन इस शेयर में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है और हो सकता है इसके अंदर कुछ टाइम में गिरावट भी होने को देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरावट ही हो, लेकिन हाँ, रिस्क पूरा है। यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि 200 पे चले जाए शेयर, 150 पे चले जाए, कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है वापस 50 रुपये पर भी आ जाए, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनियाँ इसी तरीके से काम करती हैं। इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो आती है बहुत तेज़ी से आती है, कोई भी स्मॉल कैप कंपनी क्यों ना हो। अब इसका चार्ट भी देखने की कोशिश करते हैं, चार्ट में क्या चल रहा है इसके। अब ये आपके सामने इसका चार्ट है, तो देखिए, ये है इसका 50 डेमा और एक है 200 डेमा। इन दोनों से ही बहुत ऊपर निकल चुका है शेयर। अब यहाँ से कितना ऊपर जाएगा इसकी कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये शेयर इस टाइम अप मूव में है। कहाँ तक अप में जा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी देखिए, इसके अंदर
एक साथ बढ़ता है और गिर जाता है, यही कारण है। देखिए यहाँ से इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा एक साथ, अब यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑपरेटरों का खेल चल रहा है। अब यहाँ देखें वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया और शेयर कितने तेज भागा ऊपर, फिर यहाँ से वॉल्यूम तेज आया, फिर कितने तेज भागा और शेयर, और यहाँ से डाउन आता चला गया ये। अब फिर से इसके अंदर जो अप मूव आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ये आप जो देख सकते हैं हल्की ब्लू लाइन, ये वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम के कारण ये शेयर भाग रहा है। जिस दिन भी वॉल्यूम ठंडा पड़ जाएगा एक साथ ही शेयर गिर जाएगा। वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होती है ये एक साथ जो लंबी आप बिल्डिंग लाइन जो खड़ी हुई देख रहे हैं ये वाली, ये कोई मोटा पैसा लगाकर इस शेयर को पुश करता है और जब ऊपर जाता है तो उस पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो इसके अंदर एक खेल भी हो सकता है कि खेल चल रहा हो, और जब आप इस शेयर के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं रिजल्ट के तौर पर तो अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से आपने इसका चार्ट देखा और इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑपरेटर भी खेल खेल रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी से और संभल के काम करें। आप इसमें खरीदारी करना भी चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत नाजुक तरीके से नज़र बना के रखें, जैसे ही ये गिरना शुरू करे शेयर तुरंत अपनी होल्डिंग काट देना और बाहर निकल आना। हालांकि मेरी तरफ से कोई आपके लिए ये शेयर रिकमेंड नहीं है, आप खरीदें या ना खरीदें वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने सिर्फ आपको उसकी न्यूज़ बताई है, रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट दिखाए हैं। दोस्तों अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसके अंदर आप छोटा सा काम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं प्यारा सा, और अच्छी ना लगी हो एक बुरा सा कमेंट कर दें, लाइक और अनलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको इसी तरीके के शेयर ढूंढ कर लेकर आता हूँ जो बहुत मुश्किल से वीडियो ढूंढने को मिलती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।